आए हैं क्योंकि मौसम बहुत खराब है, तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन मैं उनका जम्मू कश्मीर के इंचार्ज हमारे बड़े ही जुझारू था नेता सिर आया है, बड़े विकास के काम किया है, लोगों से दिल से जुड़ा हुआ है, प्यार से आपके काम सेक्युलर इंसान है और मैं समझ रहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या है। ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंडिया नेशनल कांग्रेस गढ़ के कार्यकर्ता भाइयों बहनों को मैं अपना विनम्र नमन करता हूं। जी है पुष्पराज जी है, पंकज जी है, हमारे यशपाल कुंडल एक नौजवान आदमी है और मेरी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी जड़ी है। और मुकेश इंडिया नेशनल कांग्रेस और मैं कई बार चक्कर भी लाया, काफी इन्हें कोई कसर नहीं छोड़ी गया। और कुंडल साहब बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं पंक्तियां पढ़ी थी कि मोहब्बत भाईचारे की नारा लगा के आपसे प्रार्थना करके बैठूंगा कि आप सब मेरे साथ जोर से बोलिए बाबा सिद्ध गोरिया की, बाबा सिद्ध गोरिया की, बाबा सिद्ध गोरिया की। परमानेंट कांस्टेबल होंगे, परमानेंट लोग फौज में भर्ती करेंगे। मेरे साथियों ये हमारा संकल्प है कि अगर हमारी सरकार बनती है स्मार्ट मीटर नहीं चलेंगे, हम इतना नहीं दे सकते। यशपाल कुंडल जी मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा थोड़ी देर आप मुझे 5-7 मिनट जनता से बातचीत करने दें, क्योंकि बहुत दूर से चल के आपके बीच में आया हूं और मेरे लिए भी ये बहुत गर्व की बात है, गौरव की बात है कि मैं आपके बीच में खड़ा हूं और वो भी चुनावी मौके पर खड़ा हूं। कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। मेरे भाई ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, आने वाले दिनों में आपको ईवीएम बूथ पर जाना है और न सिर्फ रामगढ़ के भविष्य का फैसला करना है बल्कि जम्मू कश्मीर के भविष्य का भी फैसला करना है। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। दो विचारधाराएं हैं, एक तरफ वो खड़े हैं जो चाहे दिल्ली में खड़े होकर के बोले या जम्मू में खड़े होकर के बोले सिर्फ झूठ बोलते हैं, सिर्फ झूठ बोलते हैं, और एक तरफ वो विचारधारा खड़ी है जिसकी अगुवाई हमारे नेता राहुल गांधी जी कर रहे हैं, जो इस देश में सच्चाई प्रेम और मोहब्बत की एक मिसाल बनकर के दुनिया के सामने खड़े हैं और वो जता रहे हैं कि मैं आम जनमानस का नेता हूं, आम जनता के साथ खड़ा हूं। एक तरफ भाजपा के झूठे वायदे हैं इस चुनाव में और इस चुनाव से पहले भी। मैं देश की राज्यसभा में हूं, देश की पार्लियामेंट में बैठता हूं, वहां बैठकर भी उनका झूठ सुनता हूं और यहां मंचों पर भी उनका झूठ सुनता हूं, तो ऐसा लगता है जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारतवर्ष में, अगर आपको लगता होगा कि फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार अमिताभ बच्चन है तो गलत, अगर आपको लगता है कि सबसे बड़े कलाकार दिलीप कुमार साहब है तो गलत। इस दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा एक्टर है तो वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। कोई सानी नहीं है उनका झूठ बोलने के मामले में, एक्टिंग करने के मामले में। पिछले दिनों जब रोहित वेमुला हमारे दलित समाज का एक बेटा, जब उसने सिस्टम से तंग आ करके आत्महत्या कर ली, उसे सिस्टम ने मार दिया, तो प्रधानमंत्री जी एक मंच पर खड़े हुए और भावुक होकर रोने लगे, आंसू निकालने लगे, तो मुझसे एक साहब ने कहा आप मीडिया के साथी, लेकिन राम साहब आप तो शायर हैं, नेता बाद में है, पहले तो आप शायर हैं, कवि हैं, प्रधानमंत्री जी तो आज बड़ा भावुक हो गए थे, आप क्या टिप्पणी करेंगे। तो मैंने कहा भाई मैं तो शायर हूं, मैं तो बस एक शेर सुनाऊंगा कि वह तिजारती पहलू निकाल लेता है,
मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है, मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं, तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। ये हुनर आता है प्रधानमंत्री जी को। जम्मू वालों, आपसे पिछले कुछ वर्षों से निरंतर झूठ बोला गया। मैं यहां खड़ा होकर के, मैं बहुत युवा हूं, आपके बेटे की तरह हूं, आपके भाई की तरह हूं। यशपाल कुंडल जी आपके प्रत्याशी हैं, भरत सिंह सोलंकी साहब आपके इंचार्ज हैं, मैं आप सबकी मौजूदगी में खड़ा होकर के एक बात कह रहा हूं कि मेरी आंखों में पिछले 10 साल का भारत है, और उन 10 सालों में मेरी आंखों में दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर बैठे हुए वो किसान हैं जिन्होंने अपनी जान दे दी। 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए और देश की सरकार के पास उनको श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का समय नहीं था। उल्टा किसानों को क्या क्या कहा गया ये आप सबने देखा है। नारा लगा करके आए कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारा याद है आपको? मैं इस नारे की सच्चाई बताता हूं। मुझे याद है 2014 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब इस देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, कल उनका जन्मदिन गुजरा है, आदरणीय राहुल गांधी जी ने उनके घर जाकर के उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मैं मौजूद था उस समय, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि उस महान व्यक्ति के शासन 10 साल का जो शासन काल था उसमें पेट्रोल डीजल 58 रुपए लीटर था। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने नारा लगाया, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और नारा उसकी परिणति क्या रही, 100 रुपए के पास पहुंच गया पेट्रोल डीजल। वो गैस सिलेंडर जो 350-400 रुपए का बिका करता था वो कहां पहुंच गया आपको पता है? 1000 रुपए के पास पहुंच गया। जितने नारे लगाए इस सरकार ने सारे के सारे झूठे थे। और अब मैंने सुना है कि आपके बीच में आकर के जम्मू में ये कहा जा रहा है स्मार्ट मीटर थोपा जा रहा है। आपका बिजली का बिल जो 300-250-400 रुपए आता था वो कब 2000-2500-3000 पहुंच गया आपको पता ही नहीं चला। राहुल गांधी जी बहुत अच्छी कहावत सुनाते हैं कि जब कतरे को आपकी जेब काटनी होती है तो वो आपका ध्यान दूसरी चीजों में भटका देता है और नीचे से आपकी जेब काट लेता है। इसी तरह से स्मार्ट मीटर के नाम पर आपको जो लूटने की साजिश की जा रही है, भरत भाई बैठे हुए हैं, ये खुद गुजरात से आते हैं, गुजरात में स्मार्ट मीटर का प्रोपेगंडा नहीं चला लेकिन जम्मू कश्मीर पे थोपने की साजिश चल रही है। ये चुनाव इस बात को तय करेगा कि आने वाले दिनों में आप अपनी जेब कटवाने के लिए तैयार हैं या जेब का पैसा बचाने के लिए तैयार हैं। ये धन्ना सेठों की सरकार है। अगर आप इस गफलत में हैं कि ये आम जनता की सरकार है तो नहीं, ये किसानों के नहीं है, ये नौजवानों के नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, मेरे पड़ोस में, मैं गांव से आता हूं, मेरे पड़ोस में वो बच्चे हैं जो सुबह 4 बजे उठते हैं, सेना की भर्ती के लिए तैयारियां करते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं, सपना सजाते हैं कि आने वाले दिनों में हम भारत की सेना का हिस्सा बनेंगे और सरहद पर जाकर के सीमा की सुरक्षा करेंगे, देश की सुरक्षा करेंगे। लेकिन इस सरकार ने उन नौजवानों के सपनों को कैसे मटियामेट किया है कि उनको बता दिया कि आप अब अग्निवीर बनोगे 4 साल के लिए, खुद 25-25, 30-30 साल से, 40-40 साल से राजनीति में मंत्री, विधायक, सांसद बन के बैठे हुए लोग अब आपके बेटों से यह अपेक्षा करते हैं कि आपके बेटों को 4 साल की नौकरी मिले, वो अग्निवीर बन जाए। ये न किसानों के हैं, न नौजवानों के हैं, यहां मातृशक्तियां बैठी हैं, महिलाएं बैठी हैं। आप सुबह जब रसोई में जाती हैं और चाय बनाने के लिए गैस का बर्नर ऑन करती हैं तो मैं जानता हूं आपके आंसू गिरते हैं। क्यों? क्योंकि वो गैस सिलेंडर जो सस्ता था वो 1000 रुपए के पास पहुंच गया, वो चीनी, वो दूध, वो चाय की पत्ती जो आसानी से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल थी उसका हश्र क्या कर दिया। और ऊपर से नारा लगाया, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कांग्रेस वालों 70 साल में किया क्या। मैं दिल पार्लियामेंट में था, सामने प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे, बोले बताओ कांग्रेस वालों तुमने 70 साल में क्या किया। मैंने सोचा मैं खड़ा होकर बताऊं, तब तक खड़गे जी पलटे, बोले इमरान मत बताना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। मैं तो यहां रामगढ़ में खड़ा होकर के भाजपा के
देशपाल कुंडल जी आपके अपने हैं, आपके घर के हैं और कांग्रेस पार्टी में मजबूत हैसियत रखते हैं। हम सारे लोग यहाँ देशपाल जी के लिए आपके सामने अपना दामन फैलाने के लिए आए हैं और ये कहने आए हैं कि यहाँ पर गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, आप यशपाल कुंडल जी के लिए घरों से बाहर निकलिए, हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाइए, एक एक वोट लेकर के बूथ तक जाइए, इन्हें जिताइए, आप इन्हें विधायक बना करके असेंबली में पहुंचाइए। मैं बहुत छोटा हूं लेकिन मैं आपके सामने वादा करके जाता हूं कि आप इन्हें विधायक बना के पहुंचाइए। अगर ऊपर वाले ने चाह तो कांग्रेस पार्टी ने आपके बीच में मंत्री बना करके वापस भेजेगी, ये आपको करना पड़ेगा। नहीं, मैं इससे पहले भी आ चुका हूँ। मैं पिछले दिनों लगातार 4 दिन यहाँ चुनाव प्रचार में था, बहुत शानदार माहौल है। मैं पूरा जम्मू कश्मीर लगभग घूम चुका हूँ, 16 से ज्यादा सभाएं कर चुका हूँ, बहुत शानदार माहौल है और पूरा राज्य जो है वो अपना स्टेटहुड का दर्जा चाहता है। जो झूठे वायदे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने, उसके खिलाफ लोगों में, युवाओं में, महिलाओं में, बुजुर्गों में बहुत आक्रोश है। तो हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर गठबंधन, कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। देखिए, कुछ काम किया होता तो इतनी रैलियां करने की जरूरत ना पड़ती ना। काम कुछ किया नहीं है, झूठे वायदे किए, धोखा दिया किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, महंगाई बढ़ाई तो महिलाएं बहुत परेशान हैं। ऐसे में हम अपना जो घोषणा पत्र लेके आए हैं और हमारी जो 7 गारंटी है उसको लेकर के पूरे जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में लोग विश्वास जता रहे हैं राहुल गांधी की नीतियों में, हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी की नीतियों में। तो हमें पूरा विश्वास है कि हमें उन तमाम मुद्दों का बहुत फायदा मिलेगा। और आपने देखा कि कितनी शानदार सफल रैली थी, मैं जहां भी गया हूं लोगों का हुजूम आ रहा है। लोकतंत्र, जमहूरियत के प्रति जिस तरह से लोगों में प्रेम है, समर्पण है, उससे जाहिर होता है कि हम यहां पर सरकार बनाने जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया गया था। मैं जम्मू एयरपोर्ट से उतरा हूं और यहां तक पहुंचने में इतने गड्ढे हैं कि पता ही नहीं चल रहा था कि यात्रा कर रहे हैं या अंतिम यात्रा कर रहे हैं। तो स्मार्ट सिटी अगर ऐसी होती है तो फिर तो मतलब मुझे हैरत है कि स्मार्ट सिटी ऐसी होती है। सर, राहुल गांधी सिर्फ एम्स के नाम पर आज भी भाजपा के सारे नेता इलाज तो नेहरू जी के बनवाए एम्स में ही कर रहे हैं। सर, लास्ट सवाल मेरा, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने किसके गठबंधन से यहाँ सरकार बनाई थी, ये बात किसी से छुपी तो है नहीं, पूरा देश जानता है। भाजपा की कथनी और करनी में बहुत अंतर है, बहुत ही ज्यादा। भाजपा दरअसल झूठों की पार्टी है। नीतीश कुमार जी जो आज उनके सबसे बड़े सहयोगी हैं, उन्होंने भाजपा का फुल फॉर्म बताया था, बहुत झूठा पार्टी। तो दरअसल ये झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने के अलावा इनका कोई काम नहीं, इनके पास मुद्दे नहीं है। ये कांग्रेस से मुद्दों पर सवाल नहीं पूछते बल्कि झूठी कहानियां सुनाते हैं और इनकी हर झूठी कहानी बाद में अंततोगत्वा झूठी साबित होती है जब आप फैक्ट चेक करते हैं। थी राहुल जी तो आना चाहते थे और रामगढ़ के लोगों से मिलना चाहते थे, लेकिन राहुल जी ने संदेशा भेजा है कि हम अभी नहीं आ सके तो क्या हुआ, हम यशपाल कुंडल जी के जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद आएंगे और रामगढ़ के लोगों का धन्यवाद अदा करेंगे।